Good morning students, welcome in SST class. Today in this class, we are taking new concept as the ocean currents. What is ocean currents? So come to the point, the water in the ocean is constantly and regularly moving from one part to ocean to other. So kya hota hai? Mahasagar ka pani lagatar aur niyamit roop se regularly wo kya karta hai? Samudra ke ek hisse se dusre hisse tak continuously behta rehta hai. When a stream of water are flowing regularly on the surface of the ocean is definite direction. जब ये धाराएं जब महासागर की सतह पर पानी की जो ये धाराएं हैं नियमित रूप से प्रभावित होती हैं means बहती रहती हैं तो इसे महासागरीय धाराएं कहा जाता है. On the basis of temperature और इनकी जो speed होती है वो 5 से लेकर 10 किलोमीटर तक परार होती है. यानी एक घंटे में 5 से 10 किलोमीटर तक ये बह सकती है. On the basis of temperature, अगर temperature के बेस पर देखा जाए तो ocean current can be divided तो इसकी दो कैटेगरी है warm and cold. Warm माने गर्म धारा और ठंडी धारा. The warm water current originates near equator. जो warm water है वो equator के पास flow करता है towards the pole, north pole की तरफ. और towards the pole, while the cold water जो cold water है वो पानी को ले जाता है polar region से tropical region के side. Now जो इसके the ocean current are due to the combined effect of the following factor. और ये जो समुद्र की धाराएं हैं निम्न कारकों से कह सकते हैं फैक्टर्स होते हैं कि कई कारकों से प्रभावित होती है. फर्स्ट है डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर कि ओशन के वाटर में समुद्र के पानी में जो तापमान है उसमें क्या डिफरेंस है. वार्म वाटर के और कोल्ड वाटर के जो ओशन में टेम्परेचर में डिफरेंसेस है उसके बेस पर होता है. दूसरा सैलिनिटी कितनी है उसमें खारापन कितना है. थर्ड पानी का जो बहाव है उसका जो कारक है वो विंड से इफेक्ट होता है. तो हवा का जो प्रभाव है वो किस दिशा की तरफ है पानी उसी तरफ रहेगा तो ये सबसे बड़ा कारक होता है. नाउ द रोटेशन ऑफ द अर्थ जो पृथ्वी घूमती है रोटेट करती है इस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है इन धाराओं का. द शेप ऑफ द कोस्टलाइन और तटीय जो भाग है उसकी शेप कैसी है वो किस तरीके का है. तो स्ट्रीम का आना और कितनी वो हाइट से आ रही है कितनी स्पीड से आ रही है इसके ऊपर डिपेंड करता है. करंट्स ऑन द इंडियन ओशन की जो करंट्स हैं वो इसमें आपको बुक्स में दिए हुए हैं आप उनको चेक कर सकते हैं. नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स इसमें कुछ वार्म और कुछ कोल्ड दोनों तरह के करंट दिए हुए हैं. नाउ पैसिफिक ओशन में भी ऐसे ही कुछ गर्म और कुछ ठंडे धाराएं हैं. अटलांटिक ओशन में भी आपको ये शो हो रहा है इसमें कि कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी है. ये क्वेश्चन बन के आता है कि आपका कोई धाराएं दी है तो उसमें आपको ये बताना होगा कि गर्म है या ठंडी धारा है तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है. नाउ द नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो इफेक्ट क्या होगा ये ओशन करंट से. तो जो ओशन करंट है डायरेक्टली प्रभाव डालता है टेम्परेचर पर एटमोस्फेरिक प्रेशर पर हवा लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी पर और प्रेसिपिटेशन यानी नमी के कारण. द वार्म वाटर करंट हेल्प इन इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ विंड टू कैरी मोर मॉइस्चर ऑफ वाइस वर्सा. जो वार्म करंट है जो गर्म धाराएं हैं उसकी वजह से जो विंड की एक कैपेसिटी है जो नमी होती है उस पर प्रभाव होता है डायरेक्टली. इन सम एरियाज कुछ एरियाज में जो कोल्ड और वार्म करंट है आपस में जब मिल जाते हैं तो वहां पर डेंस फॉग होता है यानी बहुत ज्यादा धुंध आ जाती है विच इज ग्रेट फॉर नेविगेशन. और जहाजों को जो शिप होते हैं बोट होते हैं उन जहाजों को बहुत परेशानी हो जाती है आगे मूव करने में. अब लार्ज फिशिंग एरियाज हैव डेवलप्ड जैसे जैसे लार्ज फिशिंग एरियाज डेवलप हुआ वार्म एंड कोल्ड वाटर करंट भी दोनों करंट भी चाहते हैं जहां सीज अराउंड जापान और न्यू अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के पार्ट में और जापान में ऐसा देखा गया है. और मोस्ट प्रोमिनेंट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड जो कि संसार में सबसे बड़े एक मेजर फिशिंग ग्राउंड माने जाते हैं कि वहां पर इतना फ्लो क्रिएट हो जाता है वहां पर फिशिंग के लिए भी काफी मुश्किलें बढ़ जाती है. द वार्म वाटर करंट हेल्प इन कीपिंग द हार्बर ओपन इन द कोल्ड विंटर मंथ. जो हार्बर्स हैं उनको खोला जाता है केवल विंटर्स में ही कार्य किया जाता है वहां पर. दस फैसिलिटी नेविगेशन एंड ट्रेड थ्रू आउट द ईयर पूरे वर्ष भर जहाजों की जो सुविधा है वो फैसिलिटी नहीं हो पाती है क्योंकि इन्हीं कारणों से. द शिप आर हेडिंग 400 बाय द डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट. समुद्र की धाराओं की दिशा में जहाज सहायता बंधित होते हैं कि अगर विंड दूसरी तरफ है और जहाज को दूसरी तरफ जाना है तो उसको
तो जो डायरेक्शन है उनकी, ये सबसे बड़ा एक कारक होता है नेविगेशन के। कभी कभी आइसबर्ग जो हिम संकलन होता है, जो आइस पिघलती है और नीचे गिरती है, कम फ्रॉम द कोल्ड पोलर रीजन, कहाँ से पोलर रीजन से, एंड स्टार्ट मूविंग, और धीरे धीरे वो कोल्ड करंट बनना शुरू हो जाता है, ठंडी धारा बनना शुरू होगी, क्योंकि बर्फ पिघल गया है और उसका पानी बन गया है, पानी कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा, तो ठंडी धारा बन जाएगी। सच एज द केस ऑफ वेबर करंट इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हैविंग डैमेज टू शिप, कि जो शिप है, बड़े बड़े जहाज है, उनका विनाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। थिंग्स अबाउट द टाइटैनिक, आपने टाइटैनिक जहाज के बारे में सुना होगा कि वो डूब गया था, तो वो इसी तूफान का एक कारण था कि वो नेविगेशन आगे नहीं कर पाया था शिप, और वो नीचे पानी में डीपली जाते चला गया, वो डूब गया। ओके, तो ये वार्म और वाटर जो है करंट, वार्म और कोल्ड, ये काफी हद तक एक कारक होते हैं, एक इफेक्टेबल होते हैं हमारे नेविगेशन में, हमारे फिशिंग इंडस्ट्रीज में। तो इन सबको ध्यान में रखकर ही हमें उस डायरेक्शन में नेविगेशन करना चाहिए, और वहीं फिशिंग इंडस्ट्री का करना चाहिए जहाँ पर ये सारी चीज़ों की सुविधा। ओके, आपका जो चैप्टर है वो आज फिनिश हो गया है, तो आपके अगले जो टर्न होगा उसमें मैं आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सेट करूँगा। ओके, टिल देन टेक केयर योर ऑफ योर हेल्थ एंड हैव अ नाइस डे।